भगवान गणेश हिंदू धर्म के प्रथम पूज्य देवता हैं। हर शुभ मंगल कार्य शुरू करने से पहले उनकी पूजा की जाती है। उनके बिना कोई भी पूजा पूरा नहीं होती। देश विदेश में भगवान गणेश के जितने भी मंदिर हैं, उनमें उनके हर मूर्ति के धड़ में हाथी का सर लगा हुआ है। यही नहीं, उनकी कोई भी तस्वीर, कैलेंडर या पेंटिंग भी ऐसे ही है। तो क्या आप जानते हैं, भगवान शिव ने गणेश जी का जो मस्तक शरीर से अलग कर दिया था, वो कहाँ है? तो आज हम बात करेंगे गणेश जी के कटे हुए सिर के रहस्य के बारे में। तो दोस्तों, अमेजिंग वर्ल्ड की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारी वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने अपने तन के मैल से श्री गणेश का स्वरूप तैयार किया और स्नान होने तक गणेश को द्वार पर पहरा देकर किसी को भी अंदर प्रवेश से रोकने का आदेश दिया। इसी दौरान वहां आए भगवान शंकर को जब श्री गणेश ने अंदर जाने से रोका, तो अनजाने में भगवान शंकर क्रोधित हो गए और श्री गणेश का मस्तक काट दिया, जो चंद्र लोक में चला गया। बाद में भगवान शंकर ने रुष्ट पार्वती को मनाने के लिए कटे मस्तक के स्थान पर गजमुख लगा दिया था। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने गणेश जी का जो मस्तक शरीर से अलग कर दिया था, उसे उन्होंने एक गुफा में रख दिया था। ये गुफा उत्तराखंड में पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर स्थित है। इसे पाताल भुवनेश्वर गुफा कहते हैं। मान्यता है कि इस गुफा में रखे गणेश के कटे हुए सिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। इस गुफा में विराजित गणेश जी की मूर्ति को आद गणेश कहा जाता है। मान्यता के अनुसार कलयुग में इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। ऐसे ही नई और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।